हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? स्वागत है नया व्लॉग में। तो आज हम निकले हैं कुछ नया जगह जाने के लिए, और वो स्पॉट और एरिया है गरियाबंद की ओर आज निकले हैं हम लोग। खूबसूरत नज़ारा देखेंगे। और अभी तो फ़िलहाल 8 बज गए हैं, रायपुर के नियरेस्ट पहुंच चुके हैं, और अब यहां से गरियाबंद के लिए लगभग 90 किलोमीटर है। उसके बाद आपको बताऊंगा कि वहां से हम क्या कवर करने वाले हैं, क्योंकि चीज़ें बहुत सारी है गरियाबंद में घूमने के लिए। तो क्या देख सकते हैं वो वहां जाके डिसाइड करेंगे। अभी तो फ़िलहाल चलते हैं, नाश्ता करते हैं, कहीं पर रुक के फिर कहीं स्पॉट पे, तो मज़ा आएगा। यहां थोड़ा थकान मिटा लिए 5 मिनट रुक के, अब आगे चलते हैं। एक अलग ही मजा आता है जब हो रोड स्नान और ऐसा वेदर रहे, ठंडा मौसम, दिसंबर का है मौसम। हम चले हैं गरियाबंद की ओर, और गरियाबंद लगभग बिलासपुर से है 215 किलोमीटर पड़ेगा मेरे को पहुंचते तक। एक छोटा सा काम है, उसको निपटा लूंगा, और उसके बाद हो सकता है सिकासा डैम दिखाऊं, क्योंकि दिसंबर के मौसम में बरसात का पानी तो देखने को बहुत कम मिलेगा, क्योंकि वाटरफॉल तो कई ठोके हैं, स्पॉट लगभग बहुत सारे हैं यहाँ देखने के लिए। गरियाबंद में 3 से 4 वाटरफॉल हैं, और डैम दो डैम भी हैं आपको, और एक शिवलिंग भी है देखने के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं देखने के लिए अपने पास। तो अभी जा रहे हैं, तो मोस्ट ऑफली मेरा मोटिव है कि सिकासा डैम भी देख लूँ वहाँ का, जो कि बिजली उत्पादन होता है वहाँ पर। छत्तीसगढ़ का वो दूसरा है जहाँ बिजली उत्पादन होता है, तो उसी की ओर है। अभी तो साथ में बने रहिए। कैसा लगा आपको गरियाबंद का ये जंगल? क्योंकि हम गरियाबंद पार कर लिए, अपना काम निपटा लिए हैं, और कुछ दूर में हम पहुंचने वाले हैं सिकासा डैम, जो कि 35 किलोमीटर है गरियाबंद से। तो फ्रेंड्स, गरियाबंद से लगभग ये है अपना 35 to 38 किलोमीटर, और यहाँ से अब अंदर 16 किलोमीटर जाना है सिकासा जलाशय, जो कि बहुत खूबसूरत है और बॉर्डर है, ये समझ लीजिए उड़ीसा लग जाता है। इसके बाद आगे जाएंगे तो देखने को मिलेगा हमको देवधारा, वहाँ बोर्ड में लिखा है। तो फिलहाल वहाँ चलते हैं, इसको वापसी में कवर करेंगे। अभी लगभग हमारे पास 11 बजा है, 2 बजे तक हम आ भी जाएंगे तो कवर कर लेंगे। आज बहुत ज़्यादा हेक्टिक और मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि दोनों स्पॉट कवर करने वाले हैं हम लोग। चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों, ये देख रहे हैं पहाड़ी, ये खूबसूरत पहाड़ियाँ है गरियाबंद की, और वहाँ किनारे में कटिंग है, वो था बोतल धारा, और अभी फ़िलहाल बरसात के वजह से पानी नहीं है, और ये मेनपुर से अंदर आपको आना पड़ेगा, तभी ये आपको खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। अभी तो फ़िलहाल आगे चलते हैं, और हम फ़िलहाल जा रहे हैं देवधारा, और तो अभी और लगभग 15 किलोमीटर हमको चलना है अंदर, तब नज़ारे देखने को मिलेंगे। दोस्तों, ये पहुंच गए हैं देवधारा। रोड बनी नहीं है, कुछ जगह रोड बनी हुई है, और ये स्पॉट है, खूबसूरत है, बरसात के दिनों में ही खूबसूरत रहता है। अभी तो फ़िलहाल पानी नहीं गिर रहा, नहीं तो यही जो पानी है वहाँ से हो के ये यहाँ से बहुत अच्छा खासा गिरता है। जैसे अभी फ़िलहाल ऐसा है कि छोटा रूप है एकदम, बहुत कम पानी गिर रहा है, और भरा तो है इसमें पानी, वहाँ आप देख सकते हैं कि वहाँ पानी भरा हुआ है। नज़ारा बहुत अच्छा है, जंगलों के बीच में खूबसूरत स्पॉट है।
और यहाँ बैठने का वॉच टावर वहाँ पर भी बना हुआ है, और वहाँ पर भी आप देख सकते हैं खड़े होके वहाँ पर भी देखने का व्यू बना हुआ है। तो पत्थरों की कटिंग है, बहुत खूबसूरत है। अतः वहाँ पर आप देखेंगे वहाँ से पानी उबल के निकल रहा है और वही पानी नीचे गिर रहा है। तो चलिए, अगर होते बनता है, जाते बनता है, तो मैं आपको वहाँ का व्यू दिखाता हूँ कि वहाँ पर पानी कैसे आ रहा है। फ़िलहाल तो बात ऐसा है कि सुबेरे से निकले थे, लगभग अब 5 घंटे हो गए घर से निकले को। मूड बन रहा है कि कुछ खा लें, पेट खाली खाली टाइप का लग रहा है। मेहनत कुछ ज़्यादा हो गई है, कुछ ऑफ रोडिंग हो गई है, कुछ ऐसे ही टाइप का नज़ारा है। और यहाँ किनारे किनारे अभी हम चल रहे हैं, बहुत अच्छा स्पार्कल पानी चमक रहा है। नीचे देखेंगे तो ये देखिए कुछ इस तरीके का है, और मछुआरे भी हैं कुछ वहाँ पर। तो पानी यहीं से गिरता है फ्रेंड्स, जब ये ओवरफ्लो होता है तो यहाँ से गिरता है। ये है नज़ारा। बाकी समय तो लोग आपको मेन वाला दिखाते हैं, मगर इस समय ऑफ सीजन होने के वजह भी पानी है देखने के लिए। और ये है ज़बरदस्त नज़ारा, इधर से गिर रहा है और अच्छा खासा ऊंचाई से यहाँ पर भी पानी गिर रहा है। बरसात की वजह से लोग यहाँ आ नहीं पाते हैं देखने के लिए, मगर इस वीडियो में मैं आपको ये व्यू भी दिखाऊँगा, क्योंकि जनरली लोग वहाँ से दिखा देते हैं मेन जो गिरता है, मगर ये भी एक अच्छा वाटरफॉल है जो बहुत ऊंचाई से गिरता है। देख रहे हैं आप इसका छनकार और सफ़ेदी बहुत अच्छी है फ्रेंड्स। तो कैसा लगा, चलते हैं आपको उधर से भी दिखाता हूँ नज़ारे। वहाँ खड़े थे हम और इधर आ गए हैं, और इधर से मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ भरा हुआ पूरा पानी कैसे गिर रहा है। और नज़ारे बहुत अच्छे हैं, साइलेंट पीसफुल है, मौसम भी हसीन है क्योंकि ठंड का मौसम है। दिखाता हूँ आपको पास से नज़ारे। ये हम पहुँच गए हैं इसके पास। जब मैं आ रहा था तो रोड तो जब तक थी तब तक तो अच्छा था, गांव वालों से पूछे तो बोले पगडंडी पकड़ के आना, और जब अंदर घुसा तो ऐसा लगा दूर दूर तक कोई नहीं देखने को मिलेगा। मगर अभी जब यहां पर पहुंचा तो एक गांव का आदमी मिला, और उससे मैं जब बात किया तो वो बात नहीं कर रहा था, समझ में नहीं आ रहा था उड़िया भाषा, क्योंकि यहाँ से कुछ दूर में उड़ीसा लगा हुआ है। तो ये तो थोड़ा सा बात है, और साइलेंट है, संडे है, फिर भी एकदम खाली पड़ा हुआ है ये जगह, अच्छा लगा मेरे को। और ये यहाँ का वातावरण आप देख सकते हैं कितनी अच्छी है। ये रास्ते से आए थे दोस्तों, और ये वॉच टावर यहाँ पर बना हुआ है, और कुछ वहाँ बैठ के खा भी सकते हैं पार्टी करने के लिए। वहाँ पर सीट वीट लगा के दी गई है पिकनिक स्पॉट के लिए, और यहाँ पर भी बना हुआ है ना कि खर्चा किया गया है। बरसात के दिन में आएंगे तो बहुत अच्छा है, रोड बस नहीं है। बाकी ये नज़ारा था, वहाँ से पानी गिरता बताया था मैंने, और ये अपनी बाइक खड़ी है यहाँ पर। और ये खाई जो अच्छी खासी है, वहाँ से भी व्यू देख सकते हैं। जब बरसात का दिन रहेगा तो वहाँ पर भी ऊपर चढ़ के आप वहाँ का शॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स। अभी तो फ़िलहाल चलते हैं
तो इसी रास्ते से वापस अपने को जाना है। तो दोस्तों यहाँ से हम आए थे और ये पगडंडी आगे जाके गांव ख़त्म हो जाएगा, तो वहाँ नहीं जाना है। यहाँ से अंदर टर्निंग लेंगे और लगभग 2 किलोमीटर अंदर जाएंगे तो आपको देवधारा मिलेगा, जो कि टूरिस्ट स्पॉट है, छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में है। और देवधारा नाम था, आपको उड़िया लोग भी मिल जाएंगे और छत्तीसगढ़ी भी लोग मिल जाएंगे, तो भाषा मिक्स टाइप की आपको लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये था व्यू यहाँ का, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो अब हम चले हैं वापसी के ओर। अब यहाँ से जाते जाते हो सकता है जलासा का समय मिले तो जलासा भी आपको दिखा दूँगा, नहीं तो फिर यहीं पर वीडियो समाप्त होगी। और समय हो रहा है लगभग 2 बज रहे हैं और हम वापसी की ओर हैं फ्रेंड्स। फिर मुलाकात होगी कुछ नए के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड्स।